हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, नॉट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, दिस इज सेंटेंस अरेंजमेंट. ओके, और ये जो आज मैंने अरेंजमेंट पिक किया है दैट इज सिंपल लैंग्वेज में हम इसको PQRS बोलते हैं, जो हमारे प्री में दो क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में तो आपके 20-22 क्वेश्चंस आने वाले हैं. और ये जो आज का सेंटेंस अरेंजमेंट है ये प्रीवियस पेपर का ही है, प्रीवियस पेपर में भी एकदम लेटेस्ट, इस बार जो 2018 वाला प्री हुआ था, ठीक है, ये उसका पेपर है. एंड लिख दिया इसमें मैंने 4th जून का पेपर है, शिफ्ट 1 का पेपर है. ओके, चलो सेंटेंस अरेंजमेंट में हमारे स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है ना कि आराम से बैठ के अरेंज कर रहे हैं. हमें क्या करना है, सीधा टारगेट करना है अपने ऑप्शंस पे, ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए फिर हम अरेंजमेंट करेंगे. ओके, अपना ऑप्शंस देखो, दो ऑप्शन डी से है, सी टू ऑप्शन स्टार्ट्स विथ डी, दो ऑप्शन डी से है और दो ऑप्शन ए से है. ये तो काम बहुत इजी है, आपके ऑप्शन में बी और सी तो है ही नहीं. जब बी और सी नहीं है तो आपको बी और सी की तरफ ध्यान देना ही नहीं है, तो आप सीधा टारगेट किसको करोगे, दो ऑप्शन डी से है और दो ए से है, तो डी और ए को करो. अब आपके दिमाग में आएगा द कैफेज ओनर सेज, ए भी हमारा पहला हो सकता है, कैफे के ओनर ये बोलते हैं, दिमाग में आ सकता है आपको एग्जाम में. और दिस कैफे विच हैज़ जस्ट ओपन्ड इन टोक्यो इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड. डी में क्या बोल रहे हैं, ये कैफे जो जिसे कैफे तो सब जानते हैं, रेस्टोरेंट टाइप, ये रेस्टोरेंट जो कि जस्ट टोक्यो में ओपन हुआ है इज़ नॉट फॉर द फेंट हार्टेड. ओके, ये कमज़ोर दिल वाले लोगों के लिए ये कैफ़े नहीं है. अब बताया है क्यों, पूरा सेंटेंस पढ़ोगे ना तो यहाँ पे दिमाग में आएगा कि इस कैफ़े में कस्टमर्स, इस कैफ़े में आप अपना ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हो इन द कंपनी ऑफ 35 स्नेक्स. ये टोक्यो में एक ऐसा कैफ़े है जहाँ पर आप अपना ड्रिंक ले सकते हो, वहाँ पर आपको 35 स्नेक्स मिलने वाले हैं. और फिर बोल रहे हैं कि स्नेक्स बहुत ज़्यादा जहरीले नहीं है, कस्टमर्स को घबराने की बात नहीं है. और कैफ़े के ओनर का कहना है कि वो इंटरेस्टेड है कंजर्वेशन, वो कंजर्वेशन मतलब प्रिजर्वेशन, बचाने में, होप्स दैट द कस्टमर्स विल रियलाइज़ कि एनिमल्स को बर्थ सेविंग, एनिमल्स को बचाना चाहिए इवन दो दे हैव अ बैड रेप्यूटेशन. अब देखो, या तो हमारा ऑप्शन ए होगा या तो हमारा ऑप्शन डी होगा. आप अपने ऑप्शन को टारगेट करो. The customer's owner says he is interested. वो interested है बचाने में. And hope the customers will realize the animals are worth saving. अब आपके दिमाग में question आएगा. The animals. Customers को ये बोल रहे हैं cafe owner कि ये animals बचाने लायक है, इसको बचाना चाहिए. चूँकि इसकी, ठीक है, उसकी reputation अच्छी नहीं है, but फिर भी इसे बचाया जाना चाहिए. यहाँ पे द है, द का मतलब क्या है, डेफिनेट मतलब किसी खास एनिमल्स की बात हो रही है. ओके, द एनिमल्स मतलब किसी खास एनिमल्स की जिक्र हो रहा है, इसका मतलब है कि इस एनिमल्स का जिक्र कहीं ना कहीं किया गया. आपके दिमाग में आएगा ना कि कौन से एनिमल्स को बचाना चाहिए, वर्थ सेविंग, ये बचाने लायक है, कौन से एनिमल्स, तो कहीं ना कहीं इन एनिमल्स का जिक्र होगा जिसे बचाना जाना चाहिए, बचाया जाना चाहिए. तो हमारा ऑप्शन ए तो होगा नहीं, इसका मतलब है ये दो हट गया. ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड द एनिमल्स, एनिमल्स को बचाने लायक है, कौन से एनिमल्स आपके दिमाग में आएगा, कहीं ना कहीं इन एनिमल्स का जिक्र होगा. फिर आ जाओ, अब है डी, ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा डी ही पहला होगा. डी में बोल रहे हैं दिस कैफ़े, किसी खास कैफ़े की बात हो रही है. दिस कैफ़े जो टोक्यो में जस्ट खुला है ये कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है. अब देखो, हाँ, यहाँ पर डी है, डी के बाद बी है और डी के बाद सी है. अब आपको देखना है, ये तो कंफर्म है कि डी है, अब आपको देखना है कि डी के बाद बी होगा या सी होगा. हाँ, डी के बाद बी इसलिए नहीं होगा, डी के बाद इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे नन ऑफ देम एक प्रोनाउन है, देम एक प्रोनाउन है, वो भी प्लूरल है. आपके दिमाग में आएगा ना, नन ऑफ देम आर वेनमनस, वेनमनस का मतलब जहरीला, इसमें से कोई भी जहरीला नहीं है. तो आपके दिमाग में आएगा ये देम किसके लिए, ये देम प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो कभी सेंटेंस में पहले नहीं आएगा, उसके बदले कोई नाउन आया, वो भी प्लूरल आया, तो ये स्नेक्स के लिए आया है, तो ये तो होगा नहीं. अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या है, सेकेंड. क्यों, इसको आप ऐसे भी लिंक कर सकते हैं, दिस कैफ़े विच हैज़ जस्ट ओपन, कैफ़े के बारे में बात हो रही है जो जस्ट ओपन हुआ है, कमज़ोर दिल लोगों के लिए नहीं है. अब यहाँ पे है हियर का मतलब क्या है, यहाँ, हियर मतलब यहाँ, हियर यू सिप, यहाँ आप अपनी ड्रिंक ले सकते हो 35 स्नेक्स की कंपनी में. ये किसी न किसी जगह के लिए बोला जा रहा है,
तो ये जो हियर है किसी ना किसी जगह के लिए, और जगह के लिए मतलब कहाँ के लिए, इस रेस्टोरेंट के लिए, रेस्टोरेंट एक जगह है, दिस कैफे, इसी के लिए हियर बोला गया। इसका मतलब है कि डी और सी साथ साथ होगा। कौन से ऑप्शन में डी और सी साथ साथ है इसमें? ओके, ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब मैं और भी सेंटेंसेस आपको दे रही, ठीक है। इसमें से बहुत अच्छे से आप लिंक कर सकते हो, हियर है, हियर मतलब यहाँ, कहाँ, कैफे के लिए। और देखो आप ये भी बोल सकते हो डी के बाद, और हियर यू कैन सिप योर ड्रिंक, लिंक भी कर लेते हैं। यहाँ आप अपनी ड्रिंक 35 स्नेक्स की कंपनी में ले सकते हो। फिर देखो ये स्नेक्स, ये स्नेक्स के लिए ही लगाया है, देम, नन ऑफ देम, नन, हमें अपना स्नेक्स मिल गया, नन ऑफ देम जहरीला है, ये हमारा अपना नाउन मिल गया। और इसे नाउन के लिए क्या यूज़ हुआ है, एक प्रोनाउन, फिर आपका बी आ गया, और फिर आपका ये हो। ओके, लेट मी गिव यू सम मोर सेंटेंसेस। चलो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ये भी हमारा 2018 प्री का फर्स्ट शिफ्ट 4 जून का ही पेपर है, ठीक है। अब हमारा ऑप्शंस पहले देख लो, ए डी बी बी, दो ऑप्शन क्या से शुरू हो रहा है, दो ऑप्शन बी से शुरू हो रहा है, एक ऑप्शन ए से हो रहा है और एक डी से हो रहा है। इसका मतलब है कि सी हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। सी हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमें सी की तरफ ध्यान देने ही नहीं। दो ऑप्शन बी में है, बी से है, तो चांसेस है कि बी हो सकता है, बट ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। कभी कभी क्या करते हैं ना, तीन ऑप्शन बी से रहेगा एंड स्टूडेंट्स को लगेगा कि जब तीन ऑप्शन बी से है तो बी होगा, बट आंसर कभी कभी सी भी हो जाता है, तो वो सब हम नहीं लगाते। चलो ए पे आ जाओ, पहले ए वाला देखते हैं। पहले तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। एन एनवायरमेंट ग्रुप, एक एनवायरमेंट ग्रुप परफॉर्म द नेक्रोस्कोपी, नेक्रोप्सी का मतलब होता है, नेक्रोप्सी का मतलब है ऑटोप्सी, इट्स अ सॉर्ट ऑफ पोस्टमार्टम, जानवरों के मरने के बाद पोस्टमार्टम किया गया। एक एनवायरमेंट ग्रुप ने एक पोस्टमार्टम किया ऑन द एनिमल। यहाँ भी देखो द एनिमल, आर्टिकल बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है आपके सेंटेंस अरेंजमेंट में, ठीक है। पोस्टमार्टम किया गया ऑन द एनिमल, अगर अ एनिमल रहता ना तो ये फर्स्ट हो सकता था, ऑन एन एनिमल रहता, जैसे पोस्टमार्टम किया गया ऑन एन एनिमल, पोस्टमार्टम किया गया किसी जानवर पे, कोई भी जानवर हो सकता है, ये फर्स्ट हो सकता था, बट यहाँ तो किसी खास जानवर की बात हो रही है। खास जानवर पे पोस्टमार्टम किया गया और देखा गया कि उसके पेट के अंदर से, उसके बॉडी के अंदर से 40 kgs ऑफ प्लास्टिक निकला, इंक्लूडिंग ग्रॉसरी, किराने वाली बैग्स, प्लास्टिक्स, राइस सैक्स, ये सब मिला। तो इसका मतलब है कि कोई खास जानवर की बात हो रही है और उस जानवर का जिक्र कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। ऑन द एनिमल, कोई खास एनिमल है, कहीं ना कहीं किस ये एनिमल का जिक्र होगा। इसका मतलब है कि ए नहीं होगा, ए हमारा अट गया, ए पहला नहीं हो सकता है। अब बी पे आओ, अ 4.7 मीटर लॉन्ग वेल, ये जो वेल है हो सकता है इस जानवर के लिए ही बोला गया, एक 4.7 मीटर का वेल था, वो सैटरडे को फिलीपींस में उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो अब हमें अपना जानवर मिल गया, ये हो सकता है ये वेल के लिए ही द लगा होगा। ओके, चलो बी तो हम बाद में कंसीडर करेंगे, पहले आप आ जाओ बी हो सकता है। अभी डी पे आ जाओ, डी पे देखो, ठीक है, द एनिमल डाइड, यहाँ भी वही है, एनिमल की डेथ हो गई, एनिमल की डेथ हो गई भूख से, क्योंकि बिकॉज उसके बॉडी, उसका स्टमक इतना चोक हो गया था ये प्लास्टिक वगैरह खा के कि वो खाना खा ही नहीं पा रहा था, ठीक है, और भूखमरी से वो मर चुका, भूख से मर चुका। और डी भी नहीं होगा, डी भी इसलिए नहीं होगा, देखो यहाँ भी है द एनिमल और यहाँ भी है द एनिमल, इसका मतलब है कोई खास एनिमल की बात हो रही है ना, उस एनिमल का पहले जिक्र होना चाहिए जो कि यहाँ पे हो चुका है वेल, तो इसका मतलब है ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। किसी से भी लिंक कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ वही मेथड, हम बीच से भी मैं बताऊँगी कैसे लिंक करना है। अब हमारा आंसर होगा बी, बी में आप बोल सकते हो ना, 40 मीटर लॉन्ग वेल डाइड ऑन सैटरडे, इसकी डेथ हो गई 40 मीटर एनिमल वेल वाली, बी पहला होगा। और दोनों ऑप्शन में बी के बाद ए है, ठीक है, दोनों ऑप्शन में बी के बाद हमारा ए वाला ऑप्शन है, इसका मतलब है कंफर्म है कि बी के बाद ए ही होगा। ये एनिमल की डेथ हो गई, उसके बाद पोस्टमार्टम करने पे पता चला कि उसके पेट से इतने सारे प्लास्टिक बैग्स निकाले गए, अब हमारा दोनों जगह बी के बाद ए है। अब हमें डिसाइड करना है कि या तो डी सी होगा या सी डी होगा। अब ध्यान देना है यहाँ पे, देखो सी डी होगा या डी सी होगा, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पहले सी है या डी है, सी में क्या बोला है, ठीक है, इन एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अमाउंट्स ऑफ प्लास्टिक्स वी हैव एवर सी। अब यहाँ पे देखो ही है, ही क्या है, प्रोनाउन है,
इट्स वेरी डिस्गस्टिंग, ये बहुत डिस्गस्टिंग से बहुत निराशाजनक है. ही सेड, ही ने बोला, उसने बोला, ये ही कोई प्रोनाउन है, इसका मतलब ये ही कोई मैन है जिसका जिक्र किया गया होगा पहले, तो ये ही कौन है? ये एक नाम है, ठीक है. ये डैरल ब्लैचले, डैरल ब्लैचले एक व्यक्ति का नाम है जो कि नाउन है, और उसी के बदले एक प्रोनाउन यूज़ किया गया, जिसका मतलब है कि पहले डी होगा फिर सी होगा, अल्टीमेटली डी और सी, ठीक है. दिस वॉज सेंटेंस अरेंजमेंट, ओके. और मेंस को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत सारे अभी सेंटेंस अरेंजमेंट करना है. नो डाउट आपका एग्जाम्स बहुत पास आ गया है. चलो, वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.